लोकतंत्र तो वेंटिलेटर पर है, लोकतंत्र बिल्कुल वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं अडानी जी को राष्ट्रपति और अंबानी जी को प्रधानमंत्री बने देखना चाहता हूं। मुखर होकर के सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है, उसको ये सरकार यूएपीए लगा करके जेल में डालती है, देशद्रोही बता देती है, तानाशाही है, हिटलर शाही है, कहाँ है लोकतंत्र? अगर कोई पढ़ा लिखा है, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, कोई बीए है, कोई एमए है, तो उसको आप रोजगार देंगे, चाय का रोजगार देंगे? लगातार 2014 में सरकार बनने से पहले और जब लगातार प्रचार किया जा रहा था तो ये कहा जा रहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो प्रति साल जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार देने की जो बात कही गई थी उससे उम्मीद थी युवाओं को कि जब मोदी सरकार अगर सत्ता में आएगी तो उसके बाद रोजगार मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि उल्टा जो है, अगर सरकारी सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की, उल्टा नौकरियाँ छीनने की मतलब नौबत आ गई है, उल्टी नौकरियाँ मतलब प्राइवेट सेक्टर तक की नौकरियाँ छीनी गई हैं, रोजगार कहीं नहीं है, वैकेंसी निकल आती है, उसके बाद फॉर्म भराया जाता है, फॉर्म के नाम पर पैसा कमाया जाता है, लेकिन उसके बाद कोई भी वैकेंसी जो है उसको क्लियर नहीं किया जा रहा है। लगातार मोदी सरकार उल्टा रोजगार छीन रही है, रोजगार देने में असफल है पूरी तरह से, इसलिए ट्विटर पर आप देखेंगे कि लगातार ट्रेंड कर रहा है कि मोदी रोजगार दो, क्योंकि मोदी सरकार रोजगार देने में असफल है। और तमाम जो वायदे करके मोदी सरकार सत्ता में आई थी और सत्ता हथे आई थी, जिसको लेकर के आज पूरी तरह से उन सब वायदों पर पूरी तरह से असफल है। हाँ बिल्कुल, कोई एक बात बताइए, आप ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके कोई स्नातक परस्नातक करेगा, पीएचडी करेगा, उसके बाद पकौड़ा तलेगा? पकौड़ा तलने के लिए तो वैसे भी पकौड़ा तल सकता है ना वो, पकौड़ा अगर रोजगार की श्रेणी में आता है तो पकौड़ा तलना, तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दो और उसके बाद मोदी जी एक दुकान खोल लें और खुद मोदी जी पकौड़ा तलने लगे, चाय बेचने लगे। ये मोदी जी को मतलब किस तरह से जो है कहते हैं कि अखबार बेचना, पकौड़ा तलना, चाय बेचना, ये जो है रोजगार की कैटेगरी में आता है? कोई एक बात बताइए, कोई बीटेक करवाता है अपने बच्चे को, कोई जो है तैयारी करवाता है, लाखों रुपए फूंकता है माँ बाप इसलिए फूंकता है कि उसका बच्चा जो है पकौड़े बेचेगा, इसलिए माँ बाप जो है उसको 10-20 लाख और 15-50 लाख फूंक करके पढ़ाता लिखाता है कि उसका बच्चा आगे चल करके चाय बेचेगा, अखबार बेचेगा। तो इस तरह का जो रोजगार है, मोदी जी को मुबारक हो, और जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और इतना पैसा खर्च करते हैं वो पकौड़ा तलवाने के लिए नहीं पैसा खर्च करते हैं। अच्छा, मोदी जी ने गुजरात के जब सीएम थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, मुझे देखो मैं सीएम। अच्छा, तो मोदी जी सीएम बन सकते हैं? मोदी जी तो उसके पहले हलफनामा जो है उसमें लगाते नामांकन में कि जो एमए किया है उन्होंने डीयू से, तो डीयू से जो है उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, लेकिन आज तक उनकी डिग्री सार्वजनिक नहीं हो पाई, पता नहीं चल पाया कि कब जो है उन्होंने एमए किया। और फिर उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने 8वीं तक पढ़ा, कभी 5वीं तक पढ़ा, कभी 35 साल भीख मांगी। तो मोदी जी का आज तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया कि मोदी जी ने आखिरकार अपने जीवन काल में क्या क्या किया है, कब उन्होंने एमए कर लिया। एमए जब उस समय जब 8वीं और 10वीं पास वाले जो है नौकरी किया करते थे, उस टाइम पर मोदी जी एमए करके चाय बेचा करते थे, तो एमए करने वाला चाय तो नहीं बेचेगा, क्योंकि उस टाइम पे तो 8वीं और 10वीं और 12वीं पास वाले को आसानी से नौकरी मिल जाया करती थी। लेकिन एमए नहीं की, जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, और अखबार नहीं बेचने की बात, तो अखबार तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का ही बेचा। नहीं तो बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेचा, देखिए जिसकी जैसी माली हालत होती है, हम लोग भी जब पढ़ते लिखते हैं तो मतलब तमाम चीजें करते हैं, हम लोग अपने खेतों में काम नहीं करते हैं, हम लोग पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ काम करना एक अलग बात है, लेकिन पढ़ लिख कर अखबार बेचना, पढ़ लिख कर जो है पकौड़े तलना, पढ़ लिख कर जो है फिर उसके बाद जो है चाय बेचना, ये तो भाई साहब आप रोजगार देंगे ना, तो रोजगार दीजिए। अगर कोई पढ़ा लिखा है, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, कोई बीए है, कोई एमए है, तो उसको आप रोजगार देंगे, चाय का रोजगार देंगे, आप पकौड़े तलने का रोजगार देंगे, या आप अखबार बेचने का रोजगार देंगे? प्राइवेटाइजेशन तो कर रहे हैं ना उन्होंने, इसीलिए तो प्राइवेटाइजेशन की है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अच्छा अच्छा, सरकारी खत्म होंगे, बाबू खत्म होंगे, तब जाके रोजगार मिलेगा। एक मुझे बात बताइए, अगर सरकारी स्कूल ना होते, लेकिन सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर मैं नहीं जाऊंगा, अगर सरकारी स्कूल ना होते तो आप बताइए कितने परसेंट गरीबों के बच्चे जो है पढ़ लेते, कॉन्वेंट स्कूल में कितने लोगों की औकात है कि वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लेंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे? अगर सरकारी अस्पताल नहीं होंगे तो कितने परसेंट लोग अपना इलाज जो है प्राइवेट अस्पतालों में करा लेंगे? प्राइवेट अस्पतालों में जब हम इलाज के लिए जाते हैं तो उससे पहले जो है हमें 500-1000 रुपये तो फीस देनी पड़ती है सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए, उसके बाद जब हम अगर ठीक भी हो जाते हैं तो बिल। ये कहते हैं ना कब तक बाबुओं से काम कराते रहेंगे आप? अरे तो मोदी जी तो मैं कहता हूँ
चाहता हूँ अगर प्राइवेट करें तो प्रधानमंत्री पद को प्राइवेट कर देना। अंबानी अडानी को मैं तो देश में देखना चाहता हूँ प्रधानमंत्री। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की जो सबसे अमीर आदमी है वो प्रधानमंत्री बन जाए, वो राष्ट्रपति बन जाए। मैं अडानी जी को राष्ट्रपति और अंबानी जी को प्रधानमंत्री बने देखना चाहता हूँ। आप प्राइवेट करिए, प्रधानमंत्री का पद भी प्राइवेट करिए। सरकार क्यों सरकारी है, सरकार खुद प्राइवेट हो जाए ना। जब प्राइवेट इतना अच्छा काम करता है आपको लगता है, तो मैं तो कहता हूँ कि प्राइवेट प्रधानमंत्री अच्छा काम करेगा, प्राइवेट राष्ट्रपति बहुत अच्छा काम करेगा। तो मैं अडानी जी को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अंबानी जी को देखना चाहता हूँ और बाबा रामदेव को राष्ट्रपति बने देखना चाहता हूँ। आप करिए जो है, सरकार को जो है करिए प्राइवेट। बात हो रही थी इससे पहले गुजरात में एक स्टेडियम था जिसका नामकरण किया गया है मोदी जी के नाम पे। हाँ, तो सरदार पटेल से सरदार पटेल जी की जो नाम था उसके उससे पहले था, उसके बाद मोदी जी का रख दिया गया। तो क्या लगता है सरदार पटेल की बेइज्जती नहीं हो रही कहीं ना कहीं? अरे भाई साहब क्या कहें अब इनसे कि ये क्या क्या कर रहे हैं। उस स्टेडियम का नाम आज तक जो आपने भविष्य में देखा होगा कि जो स्वर्गीय हो जाते थे उसके बाद स्टेडियम का नाम बदला जाता था या किसी चीज का नाम जो है रखा जाता था। पहली बार देश के भविष्य में आप देखेंगे कि किसी जिंदा व्यक्ति के नाम पर जो है स्टेडियम का नाम रख दिया गया। मोदी जी की इतनी जल्दी क्या थी भाई साहब, थोड़ा इंतजार कर लेते उसके बाद जो है मोदी जी के नाम पर रख लेते। इनको जो है दूसरों का जूठन खाने में बड़ा मजा आता है। कोई भी स्टेडियम होगा उसका नाम दूसरों के नाम पर, इनसे खुद का तो कुछ नहीं होता, दूसरों का बस नाम बदलते रहेंगे। नामकरण इनसे करवा लो, कोई भी चीज है दूसरों के नाम को बदलने में बड़ा मजा आता है। बदल रहे हैं, फिरोज शाह कोटला का होगा तो अरुण जेटली रख देंगे। कोई भी चीज होगी बस उसको आपने देखा होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय था पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया, और जो है फैजाबाद था वो अयोध्या हो गया। लगातार नाम बदलने की टेक्निक चल रही है, दूसरों के फीते काट रहे हैं और नाम बदल रहे हैं। इसी को विकास कह रहे हैं, यही विकास है इनके पास। बीजेपी तो सरदार पटेल का बहुत नाम जपती थी, अब तो मोदी जी ने जो है सरदार पटेल को। हाँ बिल्कुल, सरदार पटेल से ऊपर हो गए। अरे अगर इन्हें जहां जहां जिसके नाम पर वोट मिलेगा, बंगाल में रविंद्रनाथ के टैगोर के नाम पर वोट मिलेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम जपेंगे। अगर गुजरात में इनको सरदार पटेल के नाम से वोट मिलेगा तो सरदार पटेल का नाम लेंगे। जहां जिसके नाम पर वोट मिलेगा उसके नाम पर जो है ये राजनीति करेंगे। यह कि राम राम जपना और पराया माल अपना, तो राम राम जप करके पराया माल अपना कर रहे हैं। सरदार पटेल से काम पूरा हो गया क्या? बिल्कुल, जब सरदार पटेल की जरूरत पड़ेगी फिर सरदार पटेल का नाम जप लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। इनका तो सब पे कॉपीराइट है, सब इनके हैं। जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां जाकर के सरदार पटेल का नाम ले लेंगे, यही कर रहे हैं शुरुआत से। अब उस स्टेडियम मोदी जी के साथ जो है अंबानी और अडानी एंड भी बना दिया है। अरे क्यों नहीं होगा, अरे वो तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। जिस तरह से लगातार जो है अच्छे दिनों की बात की जा रही थी और जो है 15 लाख आने की बात की जा रही थी, अब जो पूरी तरह से हर जगह आप देखेंगे अंबानी अडानी का वर्चस्व है, बाबा रामदेव का वर्चस्व है। ये लोग लगातार कह रहे हैं वो तो पूंजीपति। अरे भाई जब हमसे कहा गया था अच्छे दिनों की बात की जा रही थी, जिस तरह से कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, मोदी जी अगर ये अच्छे दिन है तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, ऐसा करो मोदी जी हमारे पुराने दिन ही लौटा दो, ऐसा करो मोदी जी पुराने दिन ही लौटा दो, यही तो मैं कह रहा हूं। तो प्राइवेट जो है आप निजीकरण कर दीजिए, पद का निजीकरण कर दीजिए। इसलिए मैं अंबानी अडानी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देखना चाहता हूं। एक बार बताइए अगर इस सरकार हमने बनाई या अंबानी अडानी ने बनाई, बाबा रामदेव ने सरकार बनाई, अरे हमारे वोट से सरकार बनी है, इस देश के किसानों के वोट से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल इस बात में सच्चाई है कि फंडिंग दी थी उन्होंने, फंडिंग दी थी तो उसी का कर्जा तो उतार रहे हैं। बेच बेच कर जो चीजें हैं सब उन्हीं के नाम पे किए जा रहे हैं। आप देखेंगे एयरपोर्ट जो है अडानी एयरपोर्ट हो जाता है, रेल जो है अडानी रेल हो जाता है, और जो है बेल गेल सेल सब तो बेचे चले जा रहे हैं। सब अपने पूंजीपति मित्रों को जो है उस पर दावेदारी ठुकवा रहे हैं, सब पूंजीपति मित्रों के नाम कर दिया जाए तो कर्जा उतार तो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं समय की जरूरत है। अच्छा समय की जरूरत है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि समय की जरूरत है कि सरकार को भी प्राइवेट होना चाहिए, यह भी समय की जरूरत है। समय की जरूरत है क्योंकि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े आदमी बनेंगे तो उनसे हम अपेक्षा तो रखेंगे, जो अमीर आदमी बनेंगे उनसे अपेक्षा तो रखेंगे। मोदी जी तो फकीर है, मोदी जी तो फकीर है, अब इनका तो कोई भरोसा नहीं, इनका झोला खा लिया है, कहते हैं जब वो होगा तो मैं झोला लेकर के चला जाऊंगा। तो कम से कम फकीरों से अच्छे अमीर आदमी तो है, अमीर आदमियों की संगत में रहेंगे हम लोग, कभी अगर दिक्कत होगी तो अमीर आदमियों से बात करेंगे। ये भी तो कहते हैं मेरा नसीब देश के काम आ सकता है, मैं नसीब वाला हूँ। अरे अगर इनका नसीब अगर इनका नसीब इतना अच्छा होता तो 35 साल भीख नहीं मांगते, इनका नसीब इतना अच्छा होता तो ये चाय ना बेचते, इनका नसीब इतना अच्छा होता तो ये देश ना बेचते। इन्होंने जब से प्राइम मिनिस्टर, हाँ बिल्कुल, ये देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये लोकतंत्र की बदसूरती है कि हम किसान जो है पीसफुल तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, हम जो है किसानों का समर्थन नहीं कर सकते हैं। अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं तो जेलों में उठा करके डाल दिया जाता है। आपने देखा
रहा होगा, दिशा रवि की गिरफ्तारी हो जाती है। जो अगर बताइए पर्यावरण को बचाना देशद्रोह की कैटेगरी में आता है, नदियों को बचाना देशद्रोह की कैटेगरी में आता है, शुद्ध हवा को बचाना देशद्रोह की कैटेगरी में आता है, या जल को पानी को बचाना देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। लेकिन वो चल रहा है ना कि एक राजेश जोशी की कविता है कि जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, जिस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, जिस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज में जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे, जो धर्म की ध्वजा उठाए नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे, जो चारण नहीं होंगे जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस दौर में निहत्ते और निरअपराधी होना, निहत्ते और निरअपराधी होना। यही किसी को भी कोई भी किसान आंदोलन का समर्थन करता है, कोई भी मुखर होकर के सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है, उसको यूपीए लगा के जेल में डाल देते हैं। ताना शाही है, हिटलर शाही है, कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के चार चार जजेस जब सड़कों पर आकर के कहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो इनको कोई परवाह नहीं है? लोकतंत्र तो वेंटिलेटर पर है, लोकतंत्र बिल्कुल वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें गिन रहा है। पूरी तरह से इस देश में ताना शाही और हिटलर शाही चल रही है, और जो भी मुखर होकर के सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है उसको ये सरकार यूएपीए लगा करके जेल में डालती है, देशद्रोही बता देती है। तो ये वो सरकार है जो जिन्होंने कभी आजादी में इनका कोई योगदान नहीं था, इनकी हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इनका जनसंघ, सबकी भूमिका अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से संदिग्ध है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये कहीं तिरंगा झंडा उठाए नहीं खड़े थे। तो ये वो अंग्रेजों के दलाल, मुखबिर और चाटुकार है कि कहा कि गॉडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, और इंतजार बस करते रहिएगा अपनी अपनी बारी का, और कल तक जो अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिनको तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, और गांधी का कातिल गॉड से जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का।